ईशा सचित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा घर है, तुम भूल गई हो क्या? सचिन, मुझे ये बताओ ये कौन है जो तुम्हारे साथ लेटा हुआ है? सचिन तुम पहले बाहर आओ, बाहर आके बात करते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे बाहर इसलिए ले आए ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड पकड़ा ना जाए इस जेल से। जो भी बात करनी है अंदर ही करेंगे, बाहर ही क्यों करें? अरे सचिन तुम गलत समझ रहे हो। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप बता दो कौन है अंदर। सचिन कोई नहीं है अंदर, मेरी बात तो सुनो। ईशा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं वहाँ देर रात रह के बॉर्डर पे तुम लोगों की हिफाजत करता हूँ, तुम मेरी पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सचिन तुम ये क्या बोलने जा रहे हो, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ईशा इससे पहले कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए निकल जाओ मेरे घर से। सचिन अब तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर हाथ, वरना बुलाओ उस बॉयफ्रेंड को जिसके साथ तुम लेटी हुई थी। राज तू? भैया क्या ये सब, और आप भाभी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? राज तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी भाभी के साथ ये सब कर रहा है? भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया और मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और कब से चल रहा है ये सब। सचिन मैं तुम्हें यही सब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात, तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और तू तो भाई के नाम पर कलंक है, भाभी माँ समान होती है और तू भाभी के साथ ये सब कर रहा है। सचिन बहुत हो गया तुम्हारा, अब कान खोल के तुम मेरी बात सुनो, इन्हें हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह ईशा वाह, क्या साइड ली जा रही है, इतना प्यार, मैं कुछ टाइम के लिए बॉर्डर पे क्या चला गया, इतना प्यार बढ़ गया तुम दोनों के अंदर। बस करो सचिन बस करो, इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुनने जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कब से मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तुम मेरी सुन ही नहीं रहे हो। मैं बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। प्रैंक? हाँ प्रैंक। कैसा प्रैंक? वो क्या था? अरे भाभी आपको पता है भैया फौज से छुट्टी लेके घर वापस आ रहे हैं। लेकिन राज तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे भाभी वो मैं चौराहे पे सामान ले रहा था तो मैं भैया को देख के आया हूँ। सच में? हाँ भाभी सच में। लगता है मुझे सरप्राइज देने के लिए आ रहे होंगे। हाँ भाभी। अच्छा भाभी सुनो ना, भैया हमें सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं, तो हमें ऐसा करें कि भैया के साथ एक छोटी सी प्रैंक करते हैं। प्रैंक? कैसा प्रैंक? रुको भाभी बताता हूँ। मैं ऐसा कोई प्रैंक नहीं करूंगी, वो पता है मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, इतने दिनों बाद वैसे ही आ रहे हैं, मैं ऐसा कोई प्रैंक नहीं करने वाली, और तुम्हें तो पता ही है वो कितने गुस्से वाले हैं, मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो, भैया ना आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि मैं अपने भैया को जानता हूँ, वो ना बड़े खुले विचारक हैं, और भाभी वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं और इतना विश्वास भी करते हैं, तो प्लीज भाभी करो ना एक बार, मुझे पता है वो नहीं गुस्सा होंगे। पर राज। अरे भाभी पर कुछ नहीं, करो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा, आप देखना भैया ना एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, पर तुमने ऐसा करना, तुम उस अलमारी में छुप जाना। हाँ भाभी कोई बात नहीं, मैं ना अलमारी में छुप जाऊंगा, और आप ना जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे करो टेडी के साथ। अरे मैं पागल थी जो मैंने इनका साथ दे दिया इस प्रैंक में। लेकिन सचिन एक बात बोलनी पड़ेगी, मुझे और तुम्हारे भाई को तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, तुम मुझ पर ऐसे शक कैसे कर सकते हो? लेकिन तुमने आज हम दोनों को गलत साबित कर दिया, मुझे सब दिख गया कि तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है और कितना नहीं। अरे तुम बॉर्डर पर सालों तक घर से दूर रहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहती हूँ, बस तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि कब आओगे तुम, और आने के बाद तुम ये सब कर रहे हो। सचिन तुम मेरे लिए ये सोच रखते हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी ईशा कुछ गलत नहीं कर सकती, मेरी ईशा मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो भी अपने भाई को लेकर। अरे ईशा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने जैसे ही एंट्री ली तो मैंने तुम्हें इस हालत में देखा तो मेरे दिमाग में डाउट आ गया। क्या और कैसे डाउट आ गया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम पे कभी शक नहीं करती, मैं समझ जाती कि मेरा सचिन मुझे कभी धोखा दे
था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, एक बार भी। अरे सचिन, तुम्हें इतना ही डाउट था तो एक बार चादर खींच के देख लेते, तुम्हें सब पता लग जाता। और जब तुम्हारे छोटे भाई अंदर से बाहर आए तो तुम्हें लगा मैं उनके साथ। अरे एक बार सच्चाई जानने की कोशिश तो करते, तुम्हारी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ जाती कि तुम्हारा भाई या मैं गलत है या नहीं। सॉरी साहब, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, और मैं आज से तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे ऊपर इतनी जल्दी शक नहीं करूंगा। सचिन, मैं तुम्हें ना लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, अरे बाबा बिल्कुल मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा ईसा, मेरे लिए कब चाय ला दो। छोटे, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर शक किया। कोई नहीं भैया, आओ बैठते हैं।